हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इस तरह का एक 3D क्यूब ड्रॉ करना सीखेंगे। इनस्केप में सबसे आसान तरीक़ों से। मैं हूँ सुमित बरुआ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट होने के बाद इस तरह का एक पेज आ जाएगा। व्यू में जाएंगे, जूम में जाएंगे, जूम 1:1। इस पेज को सेंटर में लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ टून मेनू में हम सेलेक्ट करेंगे पॉलीगन। एक पॉलीगन है, एक स्टार है, हमें पॉलीगन चाहिए। पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर 6 होना चाहिए। यहाँ से हम फिल ब्लैक कर देंगे। कंट्रोल की प्रेस करते हुए इस तरह का एक पॉलीगन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसका एक डुप्लीकेट करेंगे। पॉसिटी को हम हाफ कर देंगे। इसका एक डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से। डुप्लीकेट को हम रेड कर देंगे। यहाँ से स्नैपिंग ऑन होना चाहिए और यहाँ से आप स्नैप टू पाथ को भी ऑन कर दीजिए। कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस कॉर्नर से ट्रैक करते हुए ऊपर लेके आएंगे। यहाँ इस पोजीशन में हम इसको रखेंगे। उसके बाद इस रेड पार्ट का एक डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से। उसको हम ग्रीन कर देंगे। यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ेंगे और यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पे इस पोजीशन में उसको रखेंगे। इस ब्लैक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस रेड पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे। पाथ इंटरसेक्शन इस तरह से। ये हमारा एक अनवांटेड पार्ट है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा से इस ब्लैक पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस ग्रीन पार्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे। पाथ इंटरसेक्शन, फिर इस ग्रीन पार्ट का एक और डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी से शिफ्ट की प्रेस किया, इस ब्लैक पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे। पाथ में जाएंगे, डिफरेंस, इस रेड पार्ट का डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से, इस ब्लैक पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे। पाथ में जाएंगे, डिफरेंस। तो इस तरह का 3 सेपरेट शेप हमें मिल जाता है। कंट्रोल जेड से वापस लेके आएंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, जूम आउट करिए और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर देंगे। तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। उसके लिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इस तरह का परफेक्ट एक स्क्वायर यहाँ से हम सेलेक्ट टूल लेंगे और इस स्क्वायर का कलर हम ब्लू कर देंगे। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। अब इस ब्लू पार्ट को सेलेक्ट किया हमने,
यहाँ ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पे ये लॉक आइकन है, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको 200 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये ब्लू पार्ट जो है हमारा 200 विथ और 200 हाइट, चारों तरफ से 200 है। इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और उस डुप्लीकेट को येलो कर देंगे। फिर से हम इस लॉक आइकन में आएंगे, इसे एक बार और क्लिक कर देंगे, इसे ओपन कर देंगे। हाइट में ये जो एच कॉलम है, यहाँ हाइट में आएंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे जो भी है, उसको डिलीट करके 50 टाइप करेंगे और एंटर। इस तरह से हमारा हाइट 50 हो गया और वेथ हमारा 200 है। तो ये येलो पार्ट का हमें दो बार डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट एक, डुप्लीकेट दो। जूम आउट करेंगे तो फर्स्ट येलो पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस ब्लू पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे, अलाइन में गए, अलाइन टॉप एज, तो ये यहाँ आ गया। दूसरे येलो पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, ब्लू पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, सेंटर ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, इस तरह से। तो तीनों जो येलो पार्ट है हमारे इक्वली डिस्टेंस में आ गए। तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और तीनों को सेलेक्ट करेंगे। पाथ में जाएंगे, यूनियन, इसके बाद इसमें एक बार और क्लिक करेंगे, इसे रोटरेट करेंगे, हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ से रोटरेट करेंगे, इस पोजीशन में रखेंगे इसको। अब इस ब्लू पार्ट का हम इसको बड़ा करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लॉक आइकन ओपन है, इसको फिर से बंद कर देंगे और यहाँ पे हम 500 टाइप करेंगे और एंटर। इस ब्लू पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस येलो पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, दोनों सेलेक्ट होना चाहिए, सेंट्रल और वर्टिकल एक्सिस, सेंट्रल और हॉरिजेंटल एक्सिस, इस तरह से ये बीच में आ जाता है। दोनों सेलेक्ट है हमारे, दोनों पार्ट। बाद में जाएंगे इंटरसेक्शन, तो इस तरह का एक शेप हमें मिल जाता है। जूम करेंगे, यहाँ लेके आएंगे थोड़ा सा, अब इस ऑब्जेक्ट को हम फ्लिप करेंगे, यहाँ से हॉरिजेंटल फ्लिप किया हमने, उसके बाद इस ब्लैक पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके, दोनों सेलेक्ट है। एक्सटेंशन में जाएंगे, मॉडिफाई पाथ और फिर प्रस्पेक्टिव, यहाँ क्लिक करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रस्पेक्टिव होके यहाँ आ गया। इसको पूरा सेलेक्ट करके सेंटर में लेके आएंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे, इस तरह से। अब इस ब्लू पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, पाथ में जाएंगे, ब्रेक पार्ट करेंगे, इस तरह से। ये जो तीनों पार्ट हैं हमारे अलग हो गए हैं। यहाँ से बेजियर पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ से स्नैपिंग ऑन है और यहाँ से स्नैप टू पाथ ऑन है।
इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर इस कॉर्नर में क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया और फिर स्टार्ट पॉइंट में। इसको हम येलो कर देंगे और स्ट्रोक जो है उसकी ज़रूरत नहीं हमें, स्ट्रोक को भी हटा देंगे। स्ट्रोक पेंट में जाएंगे और ये क्रॉस का निशान है, इसमें क्लिक करेंगे, स्ट्रोक हमारा हट गया। अब हमें यहाँ ऐसे ही करना है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, सॉरी, फिर इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करते हुए स्ट्रेट जाएंगे यहाँ, फिर इस कॉर्नर में और फिर इस कॉर्नर, इसको भी येलो कर देंगे, स्ट्रोक को हटा देंगे, यहाँ आएंगे, इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करते हुए स्ट्रेट जाएंगे इस जगह और फिर इस कॉर्नर में क्लिक किया और फिर इस कॉर्नर में क्लिक किया और फिर स्टार्ट पॉइंट में क्लिक करेंगे, इसको येलो कर देंगे, फिर से स्ट्रोक पेंट इसका भी हटा देंगे, फिर यहाँ आएंगे, इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे, फिर इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करते हुए स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ और फिर स्टार्ट पॉइंट में, इसको भी येलो करेंगे और स्ट्रोक पेंट को हटा देंगे। तो अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल की प्रेस करते हुए इस कॉर्नर में यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे इस कॉर्नर, फिर यहाँ और फिर स्टार्ट पॉइंट में यहाँ, इस तरह से। इसको हम यहाँ से मैजेंटा कलर कर देते हैं और इसका भी स्ट्रोक हटा देंगे, यहाँ से सेलेक्ट टूल लेंगे और इसको बॉटम में कर देंगे। फिर से हम बेजियर पॉइंट टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आएंगे, इस कॉर्नर में यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे, फिर इस कॉर्नर में, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरह से। इसको भी यही कलर दे देंगे और स्ट्रोक पेंट में आएंगे, स्ट्रोक हटा देंगे, सेलेक्ट टूल लेंगे, इसको भी बॉटम में कर देंगे। तो इस तरह से अब हमें कुछ पार्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये ग्रीन पार्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इस ब्लैक पार्ट को भी बाहर कर देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इस रेड पार्ट को भी बाहर कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पूरा सेलेक्ट करेंगे, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, पूरा सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी को हम 100 कर देंगे इस तरह से। तो हमारा जो बेसिक शेप है ये तैयार हो गया। अब इसमें कलर फील देंगे, वो यहाँ से फील में जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट से फील में गए। तो यहाँ पे हम ध्यान रखने वाली भी ये बात है कि ये CMYK में होना चाहिए, RGB नहीं होना चाहिए, CMYK। हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो CMYK में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम
यहाँ से लीनियर ग्रेडिएंट में क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रेडिएंट टूल लेंगे और यहाँ से स्नैपिंग ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ लेके आते हैं इस तरह से, और नीचे वाले पार्ट को ये देखिए इस तरह से नीचे वाले पॉइंट को लेके आए। तो नीचे वाले पॉइंट में हम ये कलर देंगे और ऊपर वाले पॉइंट को थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। ये सी एम वाई के में जो एम कॉलम है यहाँ से थोड़ा सा ऑरेंज शेड मिलेगा, और फिर के कॉलम में है थोड़ा सा और ऑरेंज को डार्क कर देंगे इस तरह से। जूम आउट करेंगे, सेलेक्ट टूल लेंगे और फिर इस येलो पार्ट में आएंगे, यहाँ से लीनियर ग्रेडिएंट में क्लिक करेंगे। ये जो हमारा कलर हमने दो मिक्स करके बनाया था तो ये है वो कलर, इसमें सिर्फ हमें क्लिक करना है और यहाँ फील हो जाता है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ग्रेडिएंट टूल लेंगे, उसके बाद जो हमारा डार्क पॉइंट है उसको यहाँ लेके आएंगे और जो लाइट पॉइंट है हमारा इस तरह से, यहाँ से सेलेक्ट टूल लेंगे। अब हम इस पार्ट में आएंगे, यहाँ पर भी लीनियर ग्रेडिएंट में गए और यही कलर हमने फील कर दिया। ग्रेडिएंट टूल लेंगे, डार्क पॉइंट को यहाँ ऊपर लेके आएंगे और लाइट पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको यहाँ यहाँ रखेंगे। सेलेक्ट टूल लेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे भी सेम वही कलर, ग्रेडिएंट टूल लेंगे, ये डार्क पॉइंट को यहाँ पे नीचे कर देंगे और लाइट पॉइंट को ऊपर कर देंगे। इस तरह से जूम आउट करेंगे, अब इस ब्लू पार्ट में आएंगे, इसमें भी सेम वही कलर, बस थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है ग्रेडिएंट टूल लेके, डार्क पॉइंट को नीचे और लाइट को ऊपर। इस तरह से यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी सेम वही कलर, डार्क पॉइंट को यहाँ लेके आते हैं और लाइट पॉइंट को बाहर की तरफ कर देते हैं इस तरह से। अब इस ब्लू पार्ट को बीच में जो है इसमें भी सेम वही कलर, पर इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देंगे। ग्रेडिएंट टूल लिया, एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे, दूसरे पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ये जो नीचे वाला हमारा पॉइंट है इसमें सेम यही कलर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, टूल मेन्यू में सबसे नीचे ये एरो है, एरो में क्लिक करेंगे, यहाँ से ये ड्रॉपर का ऑप्शन है, ड्रॉपर ले लेंगे, यहाँ से ये कलर पिक कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी आ गया है वही कलर। ग्रेडिएंट टूल लेंगे और एक सेंटर में डबल क्लिक करके इस तरह से एक पॉइंट बना लेंगे।
वहाँ पे ये वाला कलर फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पार्ट में आते हैं, इस वाले में यहाँ पे वही कलर जो हमने इस जगह दिया था उसी में क्लिक करेंगे, ग्रेडिएंट टूल लेंगे, एक पॉइंट को यहाँ ले गए, दूसरे पॉइंट को यहाँ ले गया है इस तरह से। तो इसमें भी थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। पहले इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, और ये जो कलर है ये कलर यहाँ, फिर यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी यही कलर, ग्रेडिएंट टूल लेंगे फिर से, ये जो बीच का सेंटर वाला पॉइंट है इसको यहाँ कर देंगे, एक पॉइंट और बनाएंगे डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे ये वाला जो डार्क कलर है ड्रॉपर लेंगे और यहाँ से ये कलर पिक कर लेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ये कलर पिक कर लेंगे, फिर से ग्रेडिएंट टूल लेंगे और थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको अंदर और ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, इस तरह से। अब हम इस पार्ट में आते हैं, लीनियर ग्रेडिएंट में क्लिक किया और जो हमारा फर्स्ट कलर हमने मिक्स करके यहाँ से स्टार्ट किया था वही वाला कलर सबसे नीचे है इसमें क्लिक करेंगे, फिर ग्रेडिएंट टूल लेंगे, डार्क पॉइंट को अंदर ले जाएंगे इस तरह से, लाइट पॉइंट को बाहर लेके आएंगे यहाँ, थोड़ा सा और डार्क पॉइंट को बाहर कर लेते हैं इस तरह से, जूम आउट करेंगे, सेलेक्ट टूल लेके पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर देंगे, जूम आउट करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको बाहर कर देते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और फील कलर हम ब्लैक कर देंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ड्रैग करते हुए लाएंगे इस तरह से, ऐसे सेलेक्ट टूल लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे और इसको टॉप पर कर देंगे, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन देना है, उसके लिए इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और फिर उसको कंट्रोल की प्रेस करते हुए माउस पॉइंट से ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे, एक स्टेप नीचे कर देंगे, थोड़ा और नीचे लेके आते हैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए, इस तरह से यहाँ ओपासिटी में आएंगे, ओपासिटी हम इसको 35 कर देंगे इस तरह से। तो देखा आपने दोस्तों कितनी आसान तरीके से हमने आज ये 3D क्यूब ड्रॉ किया इंकस्केप में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम कुछ नया ड्रॉ करना सीखेंगे।